इसी बीच एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाए जाने से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और बड़ी खबर इसलिए भी हो सकती है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद से लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के बात सामने आ रही थी कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, लेकिन संभवतः उससे जुड़ी हुई ये खबर नहीं है। विपक्ष की शिकायत के बाद रश्मि शुक्ला को हटाया गया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की और विपक्ष की शिकायत के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने जब शिकायत की तो महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग को शिकायत दी गई थी और चुनाव आयोग ने शिकायत पर संज्ञान देते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये चुनावी व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई खबर है। लग रहा था कि प्रदेश में पुलिसिंग से जुड़ी हुई ये कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं, ये इलेक्शन कमीशन को जो शिकायत दी गई थी उससे जुड़ी हुई खबर, इसी ने रश्मि शुक्ला को हटाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाया गया है और इलेक्शन कमीशन ने रश्मि शुक्ला जो डीजीपी थी उनको हटाने के निर्देश दिए हैं। तो महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाया जाना इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से चुनाव को लेकर के तैयारियां चरम हो रखी हैं। कह सकते हैं कि हर दिन महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, लेकिन इसी बीच विपक्ष की शिकायत के बाद महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाया जाना, ये किस तरह से इस कदम को देखा जाएगा और कितना लाभ विपक्ष या फिर इस कार्रवाई के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया होती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रश्मि शुक्ला, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र की डीजीपी, इन्हें हटाया है। विपक्ष की ओर से शिकायत की गई थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई, इसीलिए रश्मि शुक्ला जो डीजीपी महाराष्ट्र की, इससे पहले उन्हें हटाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाया गया है।